चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ब्रेक के अंदर ऑलरेडी एक काम वो कर दिया है, तो आपको बस अभी सम स्टार्ट करके ख़त्म करना है। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद स्टार्ट करना। सुनो, हम लोग सिर्फ दो ही कॉशीट्स बनाने वाले हैं। कौन सा दो बेटा? वन कॉशीट एट 30%, वन कॉशीट एट 100%। जिधर भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, दैट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, हम लोग वो वाला चीज वो पिछले सेशन के ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और एक छोटा सा चीज हमेशा याद रखना, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट जो होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ब्ला ब्ला ब्ला, ओनली मैटर्स इफ देर इज स्टॉक। इफ देर इज नो स्टॉक, जरा सोचो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के बाद भी लिखोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्ट मटेरियल सबसे नीचे डालोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि भाई से भी स्टॉक नहीं है। स्टॉक अगर होगा इट विल अफेक्ट योर वैल्यूएशन, लेकिन अगर स्टॉक नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पर यूनिट कॉलम मैं नहीं बनाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि पर यूनिट कॉलम मेरे को क्या करने का है, दैट ऑप्शन इज बेटर वेयर टोटल प्रॉफिट इज हायर। हम लोग बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तुम लोगों को मैंने अपने एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से वो दिए थे, तो सुनो ये वाले जो बिजनेस वाले एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो सुनो। अभी देखो मैंने क्या किया है, कॉशी दैट 30% मतलब 30,000 यूनिट्स, 100% मतलब 1,00,000 यूनिट्स। दैट ऑप्शन इज बेटर वेयर एवर टोटल प्रॉफिट इज हाई, सो देयरफॉर टोटल टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क्स कॉस्ट, मैं बस एक ही नंबर तुम्हारे लिए कंप्यूट कर रहा हूं, उसके बाद तुम लोग कंप्लीट करना। सुनो, वर्क्स कॉस्ट मेरे को बोलो 30% पर, टेक्स्ट बुक जरा चेक करो, वर्क्स कॉस्ट कितना है? देखो जरा बराबर से कितना है, 380, करेक्ट? हाँ, कैलसिलो 380 इंटू 30,000, तो कितना आ जाता है बेटा, 114 लाख। बस मैंने एक नंबर कंप्लीट कर दिया, अभी आगे तुम्हारा, मैं बस एक बार बता देता हूं मैंने क्या क्या किया है। वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद इन दिस केस फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट, फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस वो जो ABCD वाला आइटम था वो सिर्फ किस चीज के लिए एप्लीकेबल था, 100%, तो इसलिए यहां पे डैश आ गया। उसके बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगा, एट प्रॉफिट गेट सेव्स, तो ऑब्वियसली जिधर भी टोटल प्रॉफिट ज्यादा होगा हम लोग कंक्लूजन उसके हिसाब से लिख देंगे, ऑपरेट एट, अगर ये ज्यादा होगा तो 30%, ये ज्यादा होगा तो 100%। ओके, बस अभी तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो चुका है। मैं तुमको 11 मिनट दे रहा हूं, स्टार्ट टू एंड हर एक नंबर लिखना नीटली, एक भी कटिंग नहीं होना चाहिए, कैलसी यूज करो बराबर से एंड ट्राई टू बी डूइंग इट। ठीक है, योर 11 मिनट्स स्टार्ट राइट नाउ। ओके, खत्म करो प्लीज सम।
I forgot to start the this only. Chalo, kitna hai beta answer? 38 lakhs, correct? 104 lakhs. Ek baar zara check kar lo. Ye 1,50,000, 2,50,000, 30,000 to 39 lakhs. ठीक है यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट आ जाएगा एंड दिस विल बी 515 टू 30,000 165 लाख्स ये 38 लाख्स करेक्ट है बेटा ये 310 लाख्स 1,50,000 2,50,000 30 into 1 lakh 30 lakhs लकी ड्रॉस का टोटल 1 lakh आता है शायद रिफ्रेशमेंट्स 1 lakh है ये जो है 20 lakhs है ये कितना है बेटा टोटल इसका बोल दो 396 lakhs दिस इज 500 into 1 lakh तो कितना आ जाएगा बेटा 500 lakhs करेक्ट है सबका ओके दिस और दिस वॉट एवर इज हायर विल बी विनिंग द बैटल तो ऑपरेट एट 100% हो गया बेटा सबका टर्न करूं ओके लेट अस स्टार्ट सुनो क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए नाइस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग थलग ये क्वेश्चन है पढ़िए कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 45,000 इज एज फॉलोस डायरेक्ट मटेरियल 50% डायरेक्ट लेबर 20% ओवरहेड 30% तो वो लोग क्या बोलते हैं कोई एक आर्टिकल आप लोग बनाते हो कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 45,000 लेकिन उन लोगों ने सेलिंग प्राइस का ब्रेकअप नहीं दिया उन लोगों ने किस चीज का ब्रेकअप दिया कॉस्ट तो जितना भी आपका कॉस्ट है उसके ना मटेरियल कॉस्ट 50% का है लेबर 20 ओवरहेड 30 आगे एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स And 25% in the cost of the labor is anticipated. तो वो लोग क्या बोलता है कि ना material cost 15% से बढ़ जाएगा labor cost जो है 25% से बढ़ जाएगा These increase cost in relation to the present selling price, underline present selling price, would cause 25% decrease in the amount of present profit per article. ऑब्वियसली बेटा अगर तेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अगर तेरा कॉस्ट मटेरियल का 15% से बढ़ जाता है तुम्हारा लेबर कॉस्ट 25% से बढ़ जाता है तो इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा 25% यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट सिर्फ पार्ट वन ही पढ़ो सिर्फ पार्ट वन ही सॉल्व करते हैं मैं थोड़ा सा तुमको हिंट दे रहा हूं तो फिर स्टार्ट करेंगे सुनो आपके पास करंट सेलिंग प्राइस है ये पूरा क्वेश्चन एक ही यूनिट के बारे में तो नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह के बारे में बात ही नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो लिखो जरा प्लीज लेट प्रेजेंट कॉस्ट पर आर्टिकल बी एक्स लेट प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल भी वाई तो सुनो एक प्रेजेंट का कॉलम बनाना एक चेंज का कॉलम बनाना एक न्यू का कॉलम बना लेना तो लिखिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स ये सब चीजों का टोटल मारेगा तो अपने को क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऐड प्रॉफिट करेगा तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा सेलिंग प्राइस सुनो करंट कॉस्ट कितना लिखने का एक्स
लिखो करंट प्रॉफिट कितना लिखेंगे वाई तो करंट सेलिंग प्राइस कितने का आ जाएगा 45,000 अच्छा एक्स का बेटा तीन पार्ट्स है इसके ना 50% कौन सा कॉस्ट है मटेरियल तो यहां पे लिख लेना 0.5x लेबर यहां पे लिख लेना 0.2x ओवरहेड्स यहां पे लिख लेना 0.3x अभी एक काम मैंने कर दिया अभी तुम लोग क्या करोगे सुनो बेटा मटेरियल कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ गया 15% अभी आगे तुम लोग करना लेकिन एक दो चीजें मेरे साथ लिख लो लेबर कॉस्ट कितने से बढ़ गया 25% आगे ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं दिया तुम लोग सोच लेना प्रॉफिट कुछ कम हो गया तुम लोग सोच लेना और ये सब चेंजेस की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट पर यूनिट कितने से कम हो गया बट जो आप लोगों ने अंडरलाइन किया ऑल दीज थिंग्स आर इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस तो यहां पे 45,000 लिख दो बस अभी सुनो 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 मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा काम कर दिया एक इक्वेशन बना दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 45,000 अभी आगे सारा का सारा तुम्हारा काम सुनो ये नया लाना ये नया लाना ये लेकर आना ये लेकर आना ये लेकर आना जैसे ही तुम्हारा ये वाला चीज कंप्लीट होएगा तुमको सेकेंड इक्वेशन भी मिल जाएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 45 सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर लेकर आना मेरे को तुम लोगों से एक्स और वाई का आंसर चाहिए और इस बार स्टॉप वॉच स्टार्ट करना नहीं भूलूंगा तुम्हारे पास 8 मिनट्स हैं तुम लोग मेरे को एक्स और वाई का आंसर ला कर दोगे योर टाइम है स्टार्टेड जल्दी जल्दी काम करने का प्लीज
ट्राई करो जिन लोगों का नहीं आया प्लीज, बाकी लोग एक्स और वाई का वैल्यू बताओ करो, बाकी सब लोग ट्राई। Time finish. Let's start. So 0.5x 15%, 0.575x, 0.2x, about overheads nothing was given. So what did you all do? Same hi rahega na sir, 0.3x, 1.125x. aur ye cheezon ki wajah se tumhara ओवरहेड सॉरी तुम्हारा प्रॉफिट कितने परसेंट से कम हो जाएगा? 25%। तो बेटा ये वाई था, ये वाला फिगर कितना आ जाएगा? 0.75। एक मिनट में ब्लैक के अंदर लिखता हूँ, 0.75y। तो बस तुम्हारा इक्वेशन बन गया, 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 45,000। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व देम। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि y कैंसिल हो जाए बेटा। 0.75x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 33,750। 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 45,000। सब्ट्रैक्ट कर बेटा, 0.375x, y वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आता बेटा? 11,250 डिवाइडेड बाय 0.375, x इज इक्वल टू 30,000, y इज इक्वल टू 15,000। आई गेस ईच वन ऑफ यू ऑल गॉट द आंसर। ठीक है चलिए पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं। टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट, सुनो ये वाला जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट वाला स्टेटमेंट है, बस यही चीज तुमको फिर से बताने का है। क्या बताने का है? ये वाला स्टेटमेंट फिर से प्रेजेंट कर दो, बस x के बदले में y के बदले में उसके नंबर्स डाल दो और कुछ नहीं। तो लिखो जरा प्लीज, सेम टाइटल दो जो बुक के अंदर है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट। ये वाला फिगर 45,000 था, x 30,000 था, प्रॉफिट 15,000 था, 50% ये था, 20% ये था, 30% ये था।
चलो पार्ट वन अपना हो गया. सेकंड, द रिवाइज सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर. देखो अभी ध्यान से सुनना, अगर सिचुएशन तुम्हारा ऐसा ही रहा, मैं क्या करता हूं इसके बदले में ना नंबर्स डाल देता हूं. 30,000, ये कितना है बेटा 15,000. कैलसी लो जरा, 1.125 इंटू 30,000 मारो, 1.125 इंटू 30,000, तो ये वाला फिगर बेटा कितना है 33,750. ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट या 0.75 y कर लो या बैलेंसिंग फिगर कर लो, कितना आ जाता है 11,250. ओके, अब जरा सोचो, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना कि तुम्हारा स्टेटस करंटली ये था, लेकिन सर मेरा कॉस्ट बढ़ने वाला है. देखो पार्ट टू क्या बोलता है, द रिवाइज सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर. वो लोग क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस रिवाइज करो. ठीक है, तो बेटा फिर प्रॉफिट भी तो चेंज होएगा, तो ये नया वाला प्रॉफिट कैसे आएगा. देखो फिर से पार्ट टू पढ़ो, प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर. बेटा इसका और इसका परसेंटेज सेम रखना, एक मिनट, सेम परसेंटेज ऑफ, सॉरी ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर. एक सेकेंड, प्रॉफिट टू सेल्स कहने से ये वाला रिलेशनशिप 1/3 का है, तो अभी तुमको ये वाला भी रिलेशनशिप 1/3 ही रखने का है, लेकिन एक पंगा है, ना ये है ना ये है, तो फिर क्या करता हूं समझ में आएगा. 1/3 ऑफ सेल्स मीन्स हाफ ऑफ कॉस्ट. नो यार, तो अगर आपको 1/3 सेल्स का रखने का है, आपको हाफ कॉस्ट का भी तो रखने का है. सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस, इस चीज का हाफ, इस चीज का हाफ जो है इन दिस पर्टिकुलर केस, कैलसी लो 33,750 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 16,875. समझ में आएगा, इफ ये वाला रिलेशनशिप हाफ है, एड अप करो जरा, 33,750 + 16,875 कितना आ जाता है 50,625. ऑब्वियसली बेटा ये वाला रिलेशनशिप कितना हो जाएगा 1/3. तो नया सेलिंग प्राइस, ताकि प्रॉफिट परसेंटेज वही रहे जो पहले था, वो कितना हो जाएगा 50,625. बस ये वाला चीज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और कुछ नहीं. लिखिए जरा प्लीज पार्ट टू, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज सेलिंग प्राइस. लिखो न्यू कॉस्ट 1.125 इंटू 30,000, 33,750. एड न्यू प्रॉफिट, वन थर्ड ऑफ सेलिंग प्राइस और हाफ ऑफ कॉस्ट. तो रिवाइज सेलिंग प्राइस 50,625. Let us start. Question number 5 is all over. Question number 6 is all over. Question number 7 pe aaiye please. Padhiye. A re-roller produces 400 metric tons of MS bars, steel bars jo hote hain. Okay. Spending 36 lakh rupees towards material and 6,20,000 towards rolling charges. Theek hai. 10% of the output was found to be defective. Again, line kijiyega, which had to be sold at 10% less the price for good production. तो वो लोग क्या बोलते हैं, जितना भी आप लोगों ने बनाया उसके ऐसे 10% जो है डिफेक्टिव माल वो निकलेगा, उसको बेच सकते हो, बट एट व्हाट प्राइस यार, 10% लेस द प्राइस फॉर नॉर्मल गुड्स. सो अगर आप नॉर्मल गुड्स 100 रुपए के ऊपर बेचते हो, ये वाले गुड्स कितने के अंदर बेच सकते हो 90. ठीक है,
If the sales realization should give the firm an overall profit of 12.5% on cost, find the selling price per metric ton for both the categories of bars. Aage underline karo, bold underline karo, the scrap arising during the rolling process fetched a realization of 60,000 rupees. Acha dekho, ek cheez zara wo sochna will make sense. Suppose koi ek company hai, manufacture karta hai, theek hai. Abhi manufacture karta hai to kuch beech mein goods vagera wo bante rahenge, that is okay. Lekin beech mein kuch scrap vagera bhi to generate hoga, aisa ho sakta hai. Example, jabhi se hamara benches banta hai, okay. To wo sawdust vagera wo girta rehta hai, okay. Abhi tum log carpenter ko aisa to nahi bol sakte, wood ka ek katra bhi agar waste ho na tere ko goli maar dega, waisa to nahi ho sakta. Thoda bahut wastages vagera to hone wala hai, okay. Obviously, agar scrap bech ke kuch na kuch milta hai, aap log usko bech ke kuch na kuch to kamai loge. Lekin yaad rakhna, jab scrap bech ke aapko kuch milta hai na, wo tumhara sales nahi hai. Sales hota hai sales of goods ka. This is sale of scrap. To sale of scrap agar kabhi bhi wo diya hoega na, hum log bas usko apni cost ke andar se minus kar dete hain, aur kuch nahi hai. Cost ka kharcha hota hai, scrap bech ke kuch na kuch mil jata hai. Jab scrap bech ke kuch na kuch milta hai, main usko sales nahi bol sakta. Cost sheet ke andar beta wo kabhi bhi na sales ke andar nahi aayega, okay. Sales jo hota hai in this particular case, एक सेकंड, तुम्हारी कॉस्ट शीट के ना जो लास्ट आइटम होता है वो सेल्स का होता है. हम लोग सेल्स के अंदर ये सब चीजों को नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो सेल्स होता है किसका होता है, फिनिश गुड्स का. तो इसके लिए ऐसी चीजें जो होती हैं कॉस्ट के अंदर से लेस हो जाती हैं. आप लोग के पास वो जो थ्री लाइंस था उधर आओ, वो जो थ्री साइड्स था वो उधर आओ. एक और हैशटैग बनाओ और राइट डाउन लिखो, वेन एवर मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस कॉमा सम अमाउंट ऑफ स्क्रैप गेट्स जनरेटेड. Gets generated. Full stop. If this scrap can be sold comma every company would like to sell it and get some income. Full stop. This income is reduced from the cost of the goods. अच्छा सुनो, इस सम के अंदर तुम लोग मेरे को बहुत ज्यादा चीजें मत बताओ, बस कैलसी लेके मेरे को बता दो इस कंपनी का कॉस्ट कितना है. और यार ना कॉस्ट करने से सेल ऑफ स्क्रैप लेस करते हैं, ओके. जो अभी अभी तुम लोग को नोट दिया, बस कैलसी के ऊपर यहाँ पे मेरे ख्याल से तो तीन ही चीजें हैं विच इज वेरी इजी. वो तीनों चीजों का फाइनल आंसर निकालो तो कॉस्ट मिल जाएगा. एक मिनट, एक 36 लाख रुपीस का मटेरियल कॉस्ट है, और बोलो और बोलो. एक 6,20,000 रुपीस का कुछ वो रोलिंग चार्जेस है, तो कितना हो जाएगा बेटा 42,20,000. उसके अंदर से एक चीज लेस हो जाएगा क्या, 60,000 रुपीस का ये वाला चीज, ठीक है. तो बस दिस विल बी गिविंग यू योर कॉस्ट एज सच, ओके. तो लिखिए जरा प्लीज राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. Direct material.
36 lakhs. Then rolling charges, ₹6,20,000. Less sale of scrap. Kitna aa jata beta? 41,60,000. अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के ना क्या हो रहा है, आप इतना खर्चा करते हो, इतना खर्चा करते हो, स्क्रैप बीच में वो प्रोड्यूस होता है, उसको मैं बेच के 60,000 रुपीज मेरे को मिल जाता है, तो ये वाला मेरा कॉस्ट हो गया 41,60,000. अब ये 41,60,000 का तुम लोगों ने कॉस्ट का खर्चा किया, ठीक है. जरा देखो आउटपुट कितना आया, आउटपुट कितने टन्स का आया, 400. लेकिन उसका दो पार्ट्स है, उसके ने से 10% थोड़ा सा डिफेक्टिव है. याद रखना प्लीज, डिफेक्टिव और स्क्रैप दो अलग चीजें हैं. डिफेक्टिव गुड्स बिक सकता है, माइट बी एट अ लोअर प्राइस. स्क्रैप जो होता है बेटा, वो तो वेस्ट है. यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस नो? वो तो वेस्ट है बेटा. ओके, तो 400 मेट्रिक टन्स का आउटपुट कुछ आया, 400 मेट्रिक टन्स का, उसके से 40 जो होएगा वो डिफेक्टिव होएगा, जो 360 होएगा वो नॉर्मल होएगा. अगर मैं नॉर्मल वाले का प्राइस एक्स पकड़ू, ओके, तो डिफेक्टिव वाले का प्राइस कितना परसेंट होएगा बेटा, 10% लेस. तो अगर वो एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.9x. ओके, तो यहां पे लिख के रखो आउटपुट डैश 400 टन्स This is normal. This is defective. तो 10% जो है डिफेक्टिव है, तो 10% बोले तो कितना हो जाएगा, 40. तो ये कितना हो जाएगा, 360 इंटू सेलिंग प्राइस. तो अगर मैं इसका एक्स लूं तो ये 10% कम हो जाएगा, 0.9x. तो दिस विल गिव यू सेल्स. जो भी गुड्स बनेगा बाय डिफॉल्ट वो बिकेगा ही बेटा, कभी ना कभी. तो अच्छा देखो बेटा, तेरे पास कॉस्ट आ चुका है, बस मेरे को एक चीज जरा बोलो, सोच समझ के मेरे को जरा बोलना. ये कॉस्ट है, ये सेल्स है तेरा. मेरे को बोलो कॉस्ट के अंदर क्या करते हैं ताकि सेल्स आ जाता है, प्रॉफिट. और प्रॉफिट के लिए सम के ने लिखा तो हुआ है, देखो जरा. फर्म वॉन्ट्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ, पढ़ो उधर क्या लिखा हुआ है, 12.5% ऑन कॉस्ट. तो यहां पे आप लोग लिख के रखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, 41,60,000 प्लस 12.5% ऑफ 41,60,000 सेल्स 396x. सॉल्व करो, x का आंसर लेकर आओ. वन वन एट वन एट, पॉइंट आगे कुछ है, 0.18 लिख लेता हूं. ये 12% लिखा था, 12% नहीं है वो, कितना है,
12.5. Sorry. लेकिन सुनो सम का लास्ट पार्ट जरा पढ़ो सेकंड लास्ट लाइन फाइंड द सेलिंग प्राइस पर मेट्रिक टन ऑफ बोथ द कैटेगरीज ऑफ आर्ट्स मेरे को बोथ द कैटेगरीज का मतलब समझाओ नॉर्मल एंड डिफेक्टिव बेटा नॉर्मल का प्राइस तो एक्स था ना यार डिफेक्टिव का प्राइस कितना था 0.9x तो यहां पे लिख लेना देयरफॉर 0.9x इज इक्वल टू 118.8 * 0.9 106.362 यहां पे ऐसे लिख लेना सेलिंग प्राइस फॉर नॉर्मल प्रोडक्ट एंड सेलिंग प्राइस फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट चलो सुनो हम लोग क्या करने वाले हैं ओके इस चैप्टर के एक दो और क्वेश्चन क्या है योर बुक नो एग्जैक्टली हैज बीन मेड एज पर द मॉड्यूल लेकिन मॉड्यूल 100% करेक्ट नहीं है वहां पे ना कई क्वेश्चन उन लोगों ने कोई और चैप्टर्स के ने भी डाल के रखे हुए हैं तो मैं वो वाले क्वेश्चन भी जो इसी चैप्टर के हैं वो उन्हीं चैप्टर्स के अंदर अभी अभी वो करवा देता हूँ ओके तो एक काम जरा करो जस्ट सेक वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर ही सॉल्व करेंगे पेज चैप्टर नंबर 8 पे आइए प्लीज टेक्स्ट बुक के अंदर ही सॉल्व करेंगे और नीटली सॉल्व करना टेक्स्ट बुक मत खराब करो सुनो चैप्टर नंबर 8 नाउ वैसे मैंने वहां पे इटैलिक्स के अंदर लिख के वो रखा हुआ है दिस क्वेश्चन विल बी डन विद कॉस्ट शीट वो मेरी हैंड राइटिंग ही है ओके मजाक कर रहा हूं आगे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum capacity. Optimum बोले तो कौन सी capacity बेटा 100% ठीक है मतलब maximum ठीक है आगे The estimated cost of production is as under direct material 3, direct labor 2, indirect factory expenses fixed 1,50,000 वेरिएबल 5 पर यूनिट सेमी वेरिएबल 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और क्या लिखा है बेटा पार्ट देयर ऑफ ये क्वेश्चन मैं सिर्फ सेमी वेरिएबल की वजह से कर रहा हूं और कोई रीजन नहीं है क्वेश्चन करने का The factory will only produce against orders and underline करो not for its own stock. तो लोग क्या बोलते हैं हम लोग production तभी करेगा जब ही order आएगा वरना हम लोग production ही नहीं करने वाला तो मैं क्या बोलता हूँ ऐसे questions के अंदर फिर तो कभी stock होएगा ही नहीं क्योंकि जब order आएगा तब मैं production करके I will supply no as such. Okay, तो यहाँ पे कोई finished goods का stock नहीं होने वाला ठीक है याद रखना The production program of the factory is indicated below and the management desires to ensure a profit of 1,00,000 rupees for the year. Okay. First 3 months they'll be working at 50% capacity. Last 9 months they'll be working at 80% of the capacity required. Work out the average selling price at which each unit should be quoted. Quoted ko online karo likho sold. तो चलो मैं तुम क्या बोलता हूं तो तुम लोगों को सेलिंग प्राइस चाहिए कॉस्ट शीट बना लो कॉस्ट शीट के ना भी तो सेलिंग प्राइस दिखाई देता ना यार ठीक है मेरे को जरा बोलो इस सम के ना नीचे कॉस्ट शीट मत देखो पाप चढ़ेगा सुनो मेरी बात इस सम के ना बेटा टोटली 5 कॉस्ट है मेरे को 5 कॉस्ट देखकर बताओ कॉस्ट शीट में मत देखना सम में देखना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर
फिक्स्ड वाला वेरिएबल वाला सेमी वेरिएबल पांच कॉस्ट इकट्ठे करो तुम्हारा सम खत्म हो गया बस ठीक है क्योंकि सम के ना प्रॉफिट तो दिया हुआ है मेरे ख्याल से अपने को प्रॉफिट कितने रुपीस का चाहिए बेटा 1 लाख ठीक है लेकिन मैं क्या बोलता हूं अगर मैं कॉस्ट शीट स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरे को क्वांटिटी प्रोड्यूस या सोल्ड तो चाहिए वो दोनों तो सेम ही होंगे वो तो अपना बात हो गया अभी पूरा का पूरा सम पढ़ो कैलसी यूज करो 3 मिनट दे रहा हूं मेरे को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड पूरे साल का निकाल के देना पूरे साल का How much was the production? 54th for the entire year. Now use your brains. Try it once more. Now I give you 1 minute more. There is separate capacity utilization for 3 months, separate for 9 months. Use your brains, Numen. How can it be 78, madam? Max capacity 60,000. No, how will it come more than that? You've got 25 seconds. Try more, whatever you want.
स्टार्ट करते हैं तुमको आना चाहिए था इसके ना कोई रॉकेट साइंस वो नहीं थी लेट अस स्टार्ट तो कौशिक के नीचे जरा लिखो वर्किंग नोट वन क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड प्लीज अक्कल यूज करना स्टार्ट करो यू हैव टू ग्रो योर ब्रेन्स दैट इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम्स दीज क्वेश्चंस विल नॉट कम वी आर ट्राइंग टू डेवलप योर ब्रेन्स ओनली नथिंग एल्स नहीं वर्किंग नोट वन राइट डाउन क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कार्टून्स इधर देखो फर्स्ट थ्री मंथ्स तो पूरे साल का कैपेसिटी बेटा कितने का है 60,000 तो पूरे साल का है ना अपने को तो पहले थ्री मंथ्स का अलग से करना पड़ेगा इंटू 3/12 अगर मैंने ऐसा किया दिस विल गिव यू कैपेसिटी एट 100% बट फॉर कितना मंथ्स थ्री मंथ्स बट यू विल नॉट बी वर्किंग एट दैट कैपेसिटी विल बी वर्किंग एट व्हाट लेवल यार 50% ओके ये आंसर निकालो उसके बाद लास्ट नाइन मंथ्स का भी करो ₹7,500 ये वाला फिगर कितना आ जाता है बेटा 36,000 तो दिस इज 43,500 तो कौशिक को टाइटल दो जरा कौशिक फॉर वन ईयर क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आगे लिख के रखो 43,500 यूनिट्स नाउ अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा कौन सा कॉस्ट है क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल वो पर यूनिट कितने रुपीस का है 3 तो पर यूनिट में लिखो 3 डायरेक्ट लेबर कितने का है 2 दोनों को 43,500 से मल्टीप्लाई करो 1,587,000 217,505 and indirect factory expenses मतलब factory overheads ही होता है तुम्हारे उधर words printed है वैसे भी सबसे पहले fixed तो देखो fixed वाला amount तो बेटा question के अंदर ही है एक साल का तुम्हारा fixed वाला खर्चा कितने रुपीस का हो जाएगा 1,50,000 अच्छा वेरिएबल जो है कितने रुपीस का है 5 पर यूनिट तो कैलसी लो वैसे भी 5 पर यूनिट ऑलरेडी इधर वो पड़ा हुआ है कभी कभी अक्कल भी हम लोग यूज कर सकते हैं सो देयरफॉर दिस विल बी 217,500 उसके बाद एक लास्ट चीज जो बाकी है सेमी वेरिएबल जिसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करता है बस जब वो अमाउंट आ जाएगा अभी उसके लिए बहुत टाइम है लेकिन जब वो आ जाएगा तो तुम लोग को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा एक काम मेरे साथ कर लो सम के ना देखो प्रॉफिट तो लिखा हुआ है बेटा प्रॉफिट अपने को कितने रुपीस का चाहिए 1,00,000 1,00,000 डिवाइडेड बाय 43,500 मारो 2.29 आ जाएगा
दिस इज द सेलिंग प्राइस दैट यू ऑल वॉन्ट. क्वेश्चन ने अपने को सेलिंग प्राइस पूछा, बस सुनो. नाउ दिस इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश. ओके, यू रीड जो तुम्हारी बुक के अंदर है वही मेरी बुक के अंदर है. ओके, तुमको भी वही आंसर लाने का है जो मेरे को लाने का है. क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है बस, और कोई सीक्रेट चीज तो वो होता नहीं. क्वेश्चन के अंदर से पढ़ो, वन एंड अ हाफ लाइन है, अच्छे तरीके से पढ़ो और मेरे को सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इधर बताओ. जो भी आंसर तुम्हारे हिसाब से आए मेरे को देना. अंग्रेजी अच्छे तरीके से पढ़ो, तुमको 4 मिनट देता है, मेरे को आंसर ला के दो तुम लोग. चालू हो जाओ, बोलो अभी तो, अपने अपने आंसर बोलो. दैट इज ओके, तुमको भी नहीं मालूम कि राइट क्या है या रॉन्ग क्या है तो बोल सकते हो. जो एग्जाम के ना वो करोगे, तुम लोगों ने वही ट्राई मारा रहेगा. चलो, एक मैडम ने बोला था 65,000, ठीक है, और 62,000, और तूने 62 बोला था. अच्छा ठीक है, 60 बोला था. ओके,
59,000 और 57 और मेरे को और बताओ और बताओ. सब लोग बोलो अपने अपने आंसर. ये एक ही क्वेश्चन के आंसर है वैसे. हाँ 42 250 और बताओ. सिर्फ 6 आंसर बताए क्वेश्चन के. बोलो और बताओ. 112,000 और बताओ. 1 लास्ट बताओ. लास्ट उधर बुक में पढ़ोगे तो एक और बता पाओगे वरना क्या बताओगे. फिर से पढ़ो एक और बार. अच्छा तुम लोग अभी एक काम जरा करो. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है. जरा नेक्स्ट पेज पे जाओ. वहां पे ना सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर बस कुछ ना कुछ डिफरेंस है. जरा वो देखना कि डिफरेंस क्या है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर. वहां पे 10,000 के आगे पर एनम है ठीक है और यहां पे 10,000 के आगे पर एनम नहीं है. मैं भी तुमको लास्ट 1 मिनट देता है क्योंकि थोड़ी देर के बाद अपने को क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करने का है. ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही होएगा तो वो भी देख लो. क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है. ओके तो सब कुछ सेम है ठीक है. अभी बस जो थोड़ा बहुत फर्क है उसी के लिए मैंने इसको अलग अलग क्वेश्चन बना दिया. अभी तुम लोग एक लास्ट ट्राई मारो मेरे को आंसर बताओ. सुनो देखो मैं भी वही पढ़ने वाला हूं जो तुम लोगों ने पढ़ा था. मेरे को भी उतना इंग्लिश आता है जितना तुमको आता है. पढ़ो उधर. अप टू 50% कैपेसिटी. मेरे को एक चीज बोलो आर यू ऑपरेटिंग एटलीस्ट एट 50% थ्रू आउट द ईयर. बोलो यस 50% पर तो काम 50% पर तू काम करेगा थ्रू आउट द ईयर तो तेरा इतना खर्चा होने वाला है. कितना 50,000. तो ये एक तुम्हारा खर्चा तो है ही है. अगर किसी ने भी आंसर 50,000 से कम वो बोला था और 2 लोगों ने बोला था वो लोग पागल लोग हैं. ओके बेटा 50,000 से कम तो आंसर आ ही नहीं सकता. उतना तो होने वाला है ना फॉर श्योर. वो तो सम के अंदर ही लिखा हुआ है. तो अप टू 50% इतना तुम्हारा खर्चा है ठीक है. तो ये खर्चा तो है ही है. अभी सम आगे क्या बोलता है. एंड An extra expense of 10,000 for every 25% increase in capacity or part thereof. बोलो क्या बोलता है. जब भी तुम अपना capacity 25% या उसके कोई भी part से बढ़ाएगा तुम्हारा 10,000 रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा. सामने ऐसा बोला बस. ओके तो मेरे को बोलो क्या तुम लोग 50% के ऊपर जा रहे हैं. यस तुम लोग कहां तक जा रहे हैं. 80% लेकिन तुम लोग डायरेक्टली 50 to 80 नहीं जा सकता. यू कैन इंक्रीज योर कैपेसिटी इन 25% और पार्ट दियर ऑफ. तो मेरे को जरा बोलो 50 से 80 तक 2 स्टेप्स आएंगे. कौन से 2 स्टेप्स. 50 टू 75 और 75 टू 80. 50 टू 75 अगर जाएगा खर्चा एक्स्ट्रा कितने का हो जाएगा 10,000. और चाहे तू 75 से 80 जा चाहे तू 75 से 100 जा सम के अंदर लिखा हुआ है. और पार्ट देयर ऑफ वेदर यू इंक्रीज योर कैपेसिटी बाय 25% और यू इंक्रीज इट बाय एनी पार्ट ऑफ 25% तुम्हारा खर्चा जो है कितने रुपीज का होने वाला है 10,000. सबको समझ में आ गया. तो मेरा यहां पे 10,000 का 2 बार एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा. सो देयरफॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंस
to raise the capacity from पहले वाला किधर से आया 50 to 75%, नेक्स्ट वाला बेटा किधर से आ गया 75 to 80%. ओके, तो तुम्हारा आंसर कितने का आ जाएगा 70,000. लिखो वर्किंग नोट टू सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. और एक कॉपी कर लो. चलो अपनी कॉस्टशीट में आना, यहाँ पे 70,000 लेकर आना. 70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 217,500, 437,500 डिवाइडेड बाय 43,500, 10.05. कंप्लीट कर लो प्लीज कॉस्ट शीट. सेलिंग प्राइस बेटा कितना आता है? सेवेंटीन पॉइंट थ्री सिक्स.